यहाँ पे नया सिस्टम आ चुका है और अनबॉक्सिंग हो रहा है, आप देख सकते हो। हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक नया कैबिनेट जिसका नाम है गामडियस मेटिना E1 एलिट। सो आप इसका ब्रांड देख सकते हो, इसका सीरियल नंबर देख सकते हो, सीरियल नंबर दिखा दो भाई। इसका मेड इन ताइवान है और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अनबॉक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम, हाँ अनबॉक्सिंग ये भी दिखा दो भाई, स्टिकर। इसका प्राइस MRP है, आ गया MRP। इसका MRP होगा अराउंड 3500, लेकिन हम अभी मार्केट में इसको मिलता है अराउंड 3100 रुपीज़। तो हम इसको आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये देखो पूरा सील है बॉक्स, लास्ट से दिखा दो भाई, पूरा सील है, सब तरफ सील है। गाइस ये वीडियो बनाने का दूसरा एक भी पर्पज है कि हम जो ये अनबॉक्सिंग करेंगे अगर कुछ डिफेक्ट डैमेज आएगा तो भी काम रहेगा, और आपके लिए भी हम इसके फीचर्स वगैरह आगे बताएंगे। तो ये अपना अनबॉक्सिंग की तरफ जा रहे हैं हम। पहले हम चालू करेंगे साइड से, इसका सील साइड से कट करेंगे ऐसे, उसके बाद ऊपर का सील भी कट कर रहे हैं हम लोग। अपने भाई साहब यहाँ पे नया सेटअप रेडी कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो ये बहुत बढ़िया फोम के अंदर में प्रोटेक्टेड आता है, दोनों साइड में फोम नहीं है, ऊपर नीचे फोम है, तो इसको भी निकालेंगे हम लोग। काफ़ी सेफ्टी के साथ दिया जाता है ये, काफ़ी सेफ्टी के साथ दिया जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाँ ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सही रहता है। ये अनबॉक्सिंग हो रहा है, थोड़ा इंस्पेक्शन करेंगे इसको। गाइस ये देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, देखते हैं, लेट्स सी, हम चेक करेंगे पूरा। तो थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको बताएंगे, अब तो फुल डिस्क्रिप्शन नहीं है। वाओ ये तो ग्लास वाला है पूरा। तो ये रहा आपका गामडियस गामडियस का कैबिनेट, ये है फुल ATX कैबिनेट। इसमें लेफ्ट की तरफ एक फुल ग्लास व्यू है, आप जिससे जिसके तरफ अंदर का पूरा मदरबोर्ड और पूरा सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सेवन एक्सपांशन स्लॉट्स है, इसमें वर्टिकल GPU माउंट है, आगे पीछे दो 120 mm का फैन प्री इंस्टॉल है, इसके ऊपर में 10 फिल्टर मिल रहे हैं आपको, ये 10 फिल्टर मैग्नेटिक है, और इसमें आप 120 mm का फैन या एक 240 mm का CIO लिक्विड कूलिंग इंस्टॉल कर सकते हो। इसका जो माउंटिंग स्क्रूज है वो आपका थंब टाइप का माउंटिंग स्क्रूज दिया हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसे खोलते हैं माउंटिंग स्क्रूज तो ये मतलब इजी टू इंस्टॉलेशन है इसमें। इंस्टॉलेशन है या तो आपका जो वो सबसे बड़ा फीचर हमको मिल जाता है, और चेक करता है तो ये फुल ग्लास है, ये कोई एक्रिलिक का नहीं है, ये थोड़ा जैसे आप देख सकते हो पास से भी देख सकते हो, ये एक टिंटेड ग्लास है, ये एक्रिलिक नहीं है। इसका बेस में CPU श्राउड के ऊपर भी यहाँ पे वेंटिलेशन मिलता है, यहाँ पे भी आप दो 120 mm का फैन इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो इसका मदरबोर्ड ट्रे के ऊपर दो होल है जो काफ़ी ऊपर है, उसके वजह से आपका जो रैम का क्लियरेंस है वो काफ़ी रहेगा। इसका कूलर हाइट मैक्सिमम कैपेसिटी है 190 mm, तो 165 या उससे भी बड़ा कूलर आप लगा सकते हो इसमें। तो इसका जो CPU श्राउड है उसमें 180 mm तक का PSU इंस्टॉल कर सकते हो आप लोग।
और इसमें अगर जीपीयू आप नॉर्मली जो टू फैन वाला जीपीयू इसमें आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा जीपीयू इसमें इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी साइज के हिसाब से हमें रखना पड़ेगा। इसका रैम थोड़ा कम है, थोड़ा कॉम्पैक्ट पीसी केस है जी। इसका कलर भी बहुत इसका मैट ब्लैक फिनिश है अंदर से भी और बाहर से भी। और इसके ऊपर आप दिखा दोगे, इसके ऊपर आपका स्विचेस है, ये है पावर बटन, ये हो गया उसका रीसेट बटन, ये हो गया एलईडी जिससे आप इसका ये फुल एलईडी लाइटिंग सकते हैं, उसका लाइटिंग चेंज होता रहेगा। एक यूएसबी 3.0 है, एक यूएसबी 2.0 है, देन माइक और साउंड और ये माइक और साउंड। तो पीछे का देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है, चलिए वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पीछे का जैसे हमने उसको खोल लिया, इसमें भी दो माउंटिंग स्क्रूज आता है, थंब स्क्रूज है, वो इसमें आप इसे देख सकते हो। मतलब ये हो गया आपका मोलेक्स टाइप का मोलेक्स टाइप का पावर प्लग, ये जाएगा आपका जो पीएससी है उसमें जाएगा, यूएसबी 3.0 का कनेक्टर, एचडी ऑडियो का भी है, यूएसबी 2.0 का है, और जो नॉर्मल कनेक्शंस होता है पीसी कंट्रोलर्स का वो सभी है। इसके साथ में नट्स वगैरह दिया हुआ है जिसमें शायद ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। हाँ, मदरबोर्ड स्टैंड ऑफ ऑलरेडी इंस्टॉल है, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 मदरबोर्ड स्टैंड ऑफ इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। और इसमें एक हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसके नीचे आप 3.5 इंच का हार्ड ड्राइव नीचे इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके ऊपर 2.5 इंच का SSD इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखा जाए तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, सुंदर भी है, इसका 8GB भी आता है इसमें, तो आई थिंक दिस इज़ ए गुड ऑप्शन फॉर एनीवन हु कैन हु वांट्स ए बिग CPU एयर कूलर और दे वांट टू डू लिक्विड कूलिंग, इट्स ए गुड चॉइस, यू कैन बाय। इफ यू वांट टू बाय दिस वी कैन गिव यू द लिंक ऑफ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। एंड हम आगे का जो फिटिंग का है जो हम करेंगे इंस्टॉलेशन पूरा करेंगे तो उसका भी वीडियो इसी में रखा जाएगा। आप जो आगे यूट्यूब का जो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो इंस्टॉलेशन है आप सब्सक्राइब करने से उसका भी अपडेट आपको आ जाएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस। थैंक यू।